दोस्तों, द न्यूज़वीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। जय भीम, ये शब्द आपको और मुझे बहुत प्यारा है। ये महज नारा नहीं है, बल्कि आप में और मुझ में ऊर्जा भरने का काम करने वाला वाक्य है। ये एक ऐसा शब्द है जब आप सुनते हैं तो ऊर्जा भर जाती है। लेकिन अब आप इसी नाम से एक बड़े पर्दे पर, फिल्मी पर्दे पर इस नाम से एक फिल्म देख पाएंगे। जी हाँ, तमिलनाडु से आज एक बड़ी खबर आई। तमिल सिनेमा में जय भीम नाम से एक नई फिल्म बन रही है। ये पोस्टर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार ने आज शेयर किया है। उन्होंने ट्विटर के जरिए ये दो तस्वीरें शेयर की और लिखा कि मैं ये खबर आपसे, ये पोस्टर आपसे साझा करते हुए बेहद रोमांचित हूँ। और उन्होंने लिखा हैशटैग जय भीम, उनकी फिल्म का नाम है जय भीम। जी हाँ, जय भीम नाम से तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या शिवकुमार फिल्म बना रहे हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि हाल ही में, आज ही हमने स्टोरी की है कि जो सरपट्टा परियम्बरई जो फिल्म है, पारंजीत अम्बेडकराइट जो डायरेक्टर है, उनकी जो फिल्म है वो धूम मचा रखी है। उसने अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई और उसको बहुत तारीफ मिल रही है। उससे पहले भी पारंजीत बहुत शानदार फिल्में बना चुके हैं और आज ही ये खबर आई कि जय भीम नाम से फिल्म बन रही है। ये पोस्टर देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फिल्म की कहानी क्या है। फिल्म में एक व्यक्ति जो है वो वकील की ड्रेस में दिखाई दे रहा है। नीचे मद्रास हाई कोर्ट की तरह एक कोर्ट का बैकड्रॉप दिखाई देता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो खड़े दिखाई देते हैं, जो शायद मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, वंचित तबके के लोग हैं। जंगल दिखाई देता है। तो इसको देखकर, पोस्टर को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद ये कहानी इस देश के मूल निवासियों की, बहुजन समाज के व्यक्ति की, जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है, हक अधिकारों की जो लड़ाई है, उससे जुड़ी हुई है। और कैसे फिर वो कानूनी उनकी मुठभेड़ होती है, कानून से वो कैसे लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी में क्या दाव पेच आजमाए जाते हैं, ये वकील शायद उनके लिए लड़ाई लड़ता है इंसाफ की, ये इस तरह की कुछ कहानी हमको नजर आती है। और जैसा फिल्म का नाम है जय भीम, तो उससे तो ये साफ जाहिर है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की ये कहानी है। और उसको आने वाले दिनों में जब वो रिलीज होगी तो हम स्क्रीन पर देख पाएंगे कि ये कहानी एग्जैक्टली क्या है। जैसे कुछ और अपडेट्स आएंगे तो वो भी हम इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो तमिल सिनेमा से लगातार शानदार फिल्में आ रही हैं। आपने असुरन देखी होगी, धनुष ने उसमें काम किया था। उसके बाद कर्णन, अभी जो मारी सेल्वराज है उनकी जो फिल्म है कर्णन, कितनी शानदार है। उसमें जो योद्धा है वो किरदार, बहुजन किरदार है, हाथी पर चढ़कर आता है और किस तरह से वो तलवार उठाता है और तमाम तरह के ऐसे प्रतीक हैं उसमें कि वो बहुजन जो कल्चर है उसको दिखाता है और एक वो कहानी है वंचित समुदाय के लोगों की। उसके अलावा आप मंडेला देखें, वो भी तमिल फिल्म है, उसमें भी एक दलित व्यक्ति की कहानी है, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने पिरोया है। तो ये अभी सिनेमा लगातार बहुत शानदार तमिल सिनेमा आ रहा है। लेकिन उसके मुकाबले अगर हिंदी सिनेमा देखें, हिंदी में किस तरह की लोग इस्तेमाल करते हैं दलित किरदारों को। आपको याद होगा लगान फिल्म में जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो एक व्यक्ति का नाम कचरा होता है, कचरा, और कचरा एक दलित व्यक्ति का कैरेक्टर है और किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं कचरे के तौर पर, ना सिर्फ नाम बल्कि कैरेक्टर को भी इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। या फिर आर्टिकल 15 की आप बात करें तो दीनहीन, दुखी, एकदम परेशान और मसीहा की आस में लगाए बैठे, ऐसे दलितों का किरदार हिंदी फिल्मों में देखते हैं। लेकिन इसके मुकाबले तमिल सिनेमा में दक्षिण की अलग भाषाओं की जो क्षेत्रीय भाषाएं, उनके सिनेमा में ज़बरदस्त किरदार देखते हैं। इसी पर दिलीप मंडल साहब ने लिखा है, बहुत ही शानदार ये एक उनका ट्वीट है, वो पढ़िए। हिंदी वाले कचरा कर देते हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री को, जय भीम। तो जिस तरह के हम कैरेक्टर हिंदी फिल्मों में देखते हैं, उसके मुकाबले तमिल सिनेमा ज़बरदस्त तरीके से अपने कैरेक्टर को लेके आता है, उनको पोर्ट्रे करता है, बहुत ही शानदार कहानियाँ होती हैं। तो उनके मुकाबले हिंदी में जो है वो दलितों को बहुत ही बुरी तरीके से दिखाया जाता है। और ये तमिल सिनेमा की हमको बधाई देनी चाहिए, उन लोगों की तारीफ करनी चाहिए कि वहाँ पर जो बहुजन एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं या फिर डायरेक्टर हैं, वो बहुत शानदार अम्बेडकराइट कल्चर को आगे लेके आ रहे हैं और बहुत शानदार फिल्में भी बना रहे हैं। तो तमिल सिनेमा की यहाँ पर तारीफ की जाए। और अगर आपको याद हो कि ये जो बॉलीवुड की फिल्म थी गजनी और सिंघम जो फिल्में आई थी, वो ये सूर्या शिवकुमार की फिल्म, जो तमिल भाषा की जो फिल्म थी, उन्हीं का रीमेक था, ये उन्हीं पर बनाई गई थी। तो वो इस कदर इस लेवल के सुपरस्टार हैं, वो इतने कामयाब अभिनेता हैं और अब उनकी फिल्म आ रही है जय भीम नाम से, तो ये अपने आप में क्रांतिकारी है। बहुत ही ज़बरदस्त काम उन्होंने किया। और साथ ही अभी जो है वो नीट को लेकर, ओबीसी जो आरक्षण है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में, उसको लेकर भी वो मुखर, उन्होंने तो सीधे केंद्र सरकार को चिट्ठी तक लिखी और बहुत ही कठोर शब्दों में चिट्ठी लिखी है। तो वो लगातार मुखालफत कर रहे हैं
और लगातार बोल रहे हैं कि नहीं आपको ओबीसी आरक्षण देना पड़ेगा नीट में, तो इस तरह के व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी छवि है और हक हकूक की बात करते हैं। तो सूर्या शिव कुमार की जो ये नया पोस्टर आया है उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है, आपके क्या इसमें गैसेज हैं कि क्या होगा कहानी में, वो कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि अब देखिए हमारा पैरेलल सिनेमा आ रहा है, भले ही वो क्षेत्रीय भाषा में लेकिन इंग्लिश सबटाइटल के साथ में आप देख सकते हैं, या आप सिर्फ तस्वीरें भी देखेंगे तो भाव तो समझ जाएंगे, इमोशंस तो वही हैं, वही कहानियां हैं, वही दर्द है, वही पीड़ा है, तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए अभी आप सरपट्टा के ऊपर हमने आज मूवी रिव्यू किया है, आप उस वीडियो को देखें और फिर उसके बाद अमेजन प्राइम पर सरपट्टा भी देखें। पारनजीत ने बहुत अच्छा काम किया है और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद करेंगे मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों, तब तक अपना ख्याल रखें। जय भीम।